जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय बोले बाबा जी की। जय बोले जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मैंने ना अभी अभी मेडिकल कराया है पंजाब में। अच्छा जी, हो गया मेरा मेडिकल। तो एक्चुअली मुझे आई डी एमपी की, आधार कार्ड वगैरह। अच्छा जी, तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना मेरे को जाने में वहाँ पर? ऐसे मेरा मेडिकल तो हो गया, आईडी मेरी दूसरी स्टेट की है। नहीं प्रभु जी, आप हिंदुस्तान के नागरिक होने चाहिए, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी मेडिकल करा सकते हैं और कहीं पे भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो मैंने अभी आपने मुझे फॉर्म दिया था ना सुबह व्हाट्सएप पर भेजा, अभी अभी मेडिकल करा के आया, कोई पैसे मुझे फ्री हुआ मेरा। तो कहाँ पे, पंजाब में कहाँ कराया आपने? पंजाब में बादल है, बादल बादल पड़ता था बठिंडे के पास में। बठिंडे के पास में सरकारी हॉस्पिटल है? हाँ जी सरकारी। क्या नाम है हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का नाम तो मैंने याद नहीं, देखा नहीं, वैसे सील लगा हुआ पता नहीं, मैं देखे नहीं अभी। अच्छा, बठिंडे में मतलब मेडिकल होने शुरू हो गए हैं, करवा सकता है कोई करवाना चाहे तो, है ना? हाँ, मतलब बोलो ना, कुछ नहीं बोला, फॉर्म तो मैं लेके गया था, बाकी भर के उन्होंने साइन वगैरह कराए, उन्होंने पैसे वगैरह कुछ नहीं मांगे, सील स्टाम्प लगा के दे दी मुझे। चलो, एमसीआई नंबर डाल दिया? एमसीआई नंबर तो सर कुछ, तो उसमें तो कुछ नहीं डाला, सील लगाई मैं, गौर और छोटे साइन किए मेरे डॉक्टर ने। नहीं तो नीचे, चलो कोई बात नहीं, आप रजिस्ट्रेशन करा लो, दिक्कत आएगी तो फिर एमसीआई नंबर डलवा लेना उनसे ना। एमसीआई नंबर मांगते हैं कई बार नहीं चल भी जाता है, वैसे एमसीआई नंबर डालना जरूरी है। हमने वीडियो में बता रहे हैं आपको ना कि जिस भी डॉक्टर से मेडिकल नंबर, कौन डॉक्टर डालता है? हाँ, डॉक्टर का जो यूनिक नंबर होता है एमसीआई नंबर, जो जिस डॉक्टर ने आपका मेडिकल किया, तो फॉर्म में नीचे देखो, सबसे नीचे लाइन में देखो फॉर्म में क्या लिखा हुआ है। तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आई ऑनलाइन सर? अगर बैंक वाला समझदार होगा तो दिक्कत आएगी, जो आपका रजिस्ट्रेशन करेगा वो समझदार होगा, दिक्कत आएगी, अगर उसको नहीं पता होगा तो कर देगा ऐसी, ठीक है? ऑनलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑनलाइन करे तो सर, मैं इसमें अब पकड़ने वाली बात है, कोई एमसीआई नंबर होना जरूरी है मेडिकल के ऊपर, उससे पता चलता है कि किस डॉक्टर ने किया है। आप कितनी दूर है आपके यहाँ से हॉस्पिटल? हॉस्पिटल वही 2-3 किलोमीटर हो गई। तो सर एमसीआई नंबर डलवा लो, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 किलोमीटर चले जाओ, टेंशन खत्म, ठीक है? उनको बोलो, मैंने यूट्यूब के ऊपर कम से कम भी 10-12 वीडियो डाली हुई है एमसीआई नंबर की, रोज डाल रहा हूँ मैं, आप देखते नहीं हो, जब इसलिए आपको 2 किलोमीटर का चक्कर और लगेगा। सर वीडियो देखा करो आप, अभी रजिस्ट्रेशन भी होना है, अभी और भी बहुत सारी चीजें होनी है, सारा अपडेट हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भी यूट्यूब पे डालूंगा, फिर भी लोग देखेंगे तो फिर गलती तो गलती है ना, ठीक है सर? चलो सही, अच्छा डाल देना, पता तो चल जाएगा ना सही। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।